जागरूकता एवं सतर्कता रैली का आयोजन। प्रखंड के जदयू कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत के नेतृत्व में पार्टी का झंडा लेकर जागरूकता एवं सतर्कता रैली निकाली गई। पूरे बाजार में घूम घूम कर भाजपा भगाओ का नारा लगाते हुए लोगों को सावधान रहने को कहा। रैली घूम कर जब पार्टी कार्यालय पहुंची तो वहां बगल में बने कर्पूरी सभागार कार्यालय का उद्घाटन जिलाध्यक्ष श्री कामत ने फीता काटकर किया तथा प्रखंड अध्यक्ष देवदत्त शाह को पाग चादर तथा फूल की मालाओं से स्वागत किया। जहां उपस्थित समूह को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष श्री कामत ने कहा कि अब लोगों को जुमलेबाजों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि अब भाजपा देश में उन्माद, हिंसा तथा गंदी राजनीति करने पर उतारू है, जिसे वे सफल नहीं होने देंगे। पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष देवदत्त शाह, पूर्व जिला परिषद सदस्य तजमूम हुसैन, संजय कुमार सिंह, डॉक्टर पीताम्बर शाह तथा जयप्रकाश भारती ने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से 40 सीटों पर जीतने का दावा किया तथा इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को अभी से ही तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। ईरानी में प्रमुख रूप से राहुल भेंडवार, राजकुमार यादव, कृष्णदीप सिंह, रामचंद्र कामत, राजा राम कामत, भोला शाह, चनेलाल पासवान, मोहम्मद अब्दुल्ला, जयवंश ठाकुर, धनेश्वर राम तथा शंकर महतो समेत सैकड़ों जदयू कार्यकर्ता रैली में भाग लिए। बीएनपी न्यूज़ के लिए मधुबनी से नैयर आलम की रिपोर्ट। जागरूकता मार्च निकाला गया है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जो जुमलेबाज पार्टी जो है बीजेपी, जो हमेशा दंगा फैलाने के फिराक में रहता है। हाल ही में आए थे पूर्णिया में, वो अमित शाह जी रैली किए, उसमें एक शब्द भी 8 साल के उपलब्धि को उन्होंने नहीं बोला। उस पर हमेशा जुमला राज जो जंगल राज के बारे में हमेशा बोलता रहता है। 7 दिन पहले हम लोगों के साथ था तो जंगल राज नहीं था। जब बीजेपी अलग होती है तो हमेशा जंगल राज का मुद्दा उठाता है, जबकि हमेशा वो दंगा भड़का करके राज करना चाहता है। उसको विफल करने के लिए आज पूरे बिहार में जागरूकता एवं सतर्कता अभियान के तहत सभी को अपने अपने प्रखंड मुख्यालय में रहना था, इसी के तहत आज हम अपने प्रखंड खुटौना में जागरूकता एवं सतर्कता अभियान को सुचारू रूप से पैदल मार्च के माध्यम से जागरूकता एवं सतर्कता अभियान चलाए हैं। अब जदयू के सर जिला अध्यक्ष हैं सतेंद्र कामत जी, क्योंकि आप तो स्थानीय आदमी भी हैं, सारे परिस्थिति से आप भली भांति अवगत हैं। इस दल से भी चूंकि शुरू से समता पार्टी का निर्माण हुआ था, उस समय से ये सारे चेहरे उसमें लगे हुए हैं, लेकिन सतर्कता और जागरूकता के अभी आपको आवश्यकता क्या पड़ गई? आवश्यकता इसलिए पड़ गया हम लोगों को, जो हाल ही में हम लोगों से अलग हुआ, वो लोग सिर्फ उन्माद फैलाना चाहते हैं पूरे देश में। के साथ तो पहले से भी थे आप? नहीं नहीं, उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ हम लोग हैं। वो जो चाहता है जाति में बांट करके, मतलब जो अल्पसंख्यक और हिंदू मुस्लिम करके राज करना, वो हम लोग नहीं चलने देंगे। चारा घोटाला क्या? चारा घोटाला में जिसको सजा होगा होगा, चारा घोटाला आपको हाईकोर्ट का मामला है। ये सब उसको गलत में सजा मिलेगा, कानून का राज है। भक्त है, ये भी भक्त है, भाजपा हमारे नेता जो है वो साफ सुथरा छवि के है। आज पूरा देश उनको हाथों हाथ लिया है। जिस दिन से हम लोग अलग हुए हैं उन लोगों से, आप लोगों को भी पता होगा कि किस ढंग से उनको पूरा देश हाथों हाथ ले रहा है। केरल के अखबार में, यूपी के अखबार में, आपको बंगाल के अखबार में नीतीश कुमार छाया। तेजी से एक बात फैल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को झंझारपुर लोकसभा सीट से लड़ाया जाए, उस पर क्या कहना है? हम लोग प्रस्ताव दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो झंझारपुर से चुनाव लड़े, क्योंकि झंझारपुर मिथिला में, झंझारपुर में बहुत सारे विकास का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और सारे कार्यकर्ता खासकर झंझारपुर लोकसभा और यहाँ का जो भी विधानसभा क्षेत्र है, खासकर लौकहा, फुलप्रास चाहे बाहुबली, यहाँ के कार्यकर्ता जागरूक है और नीतीश कुमार के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा किए हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में एक चेहरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है, जो हम लोगों के सामने झंझारपुर लोकसभा चुनाव से लड़े, और पूरा देश का झंझारपुर का लोकसभा सांसद, पूरे देश में भारत का प्रधानमंत्री बने और देश का देश में शासन हो, और हम लोगों का जितने भी कार्यकर्ता हो उनका मान और मनोबल आगे बढ़े। धन्यवाद।